हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल मनीष की दुनिया नंबर वन में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हमारे पीछे कितना सुंदर लोकेशन है, तो फ्रेंड्स आज हम इसी के बारे में आप लोगों को बताएंगे। तो जैसा कि फ्रेंड्स, यहाँ हनुमत धाम बोलते हैं इस जगह को, और बहुत ही सुंदर बना हुआ है फ्रेंड्स। ये देखिए, काफ़ी सुंदर बना हुआ है और खन्नौत नदी के किनारे स्थित है। और ये देखिए कि मतलब कि हनुमान जी की मूर्ति इतनी ऊंची है, 104 फीट, हाँ 104 फीट की मूर्ति है। और बहुत अच्छा तीर्थ स्थल है हनुमत धाम बोलते हैं। आप लोग गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं इसको, हनुमत धाम शाहजहाँपुर। तो काफ़ी सुंदर बना हुआ है फ्रेंड्स, और यहाँ अक्सर मूवी की शूटिंग वगैरह भी होती रहती हैं। और काफ़ी सुंदर है, लोग सेल्फी पॉइंट भी इसको मानते हैं। यहाँ पर ये जो मैं इस टाइम यहाँ खड़ा हूँ, ये नया अभी जल्दी बना है, तो यहाँ लोग सेल्फी खींचते हैं। काफ़ी सुंदर व्यू है, अभी हम आपको आगे जाके और भी दिखाएंगे यहाँ के व्यू। तो जैसा कि फ्रेंड्स, ये आप लोग देख सकते हैं, एक पुल ये सामने है और आगे एक और पुल बना हुआ है, काफ़ी सुंदर पुल बना हुआ है। ये तो गोल पुल है सामने जो दिख रहा है, और एक मतलब सीधा सीधा है, वो भी काफ़ी सुंदर है। अभी मैं पास जाकर आप लोगों को दिखाऊंगा। नदी का बहाव जो है वो तीर्थ स्थल के चारों तरफ है, और लोग नहाते भी हैं, लेकिन यहाँ पर पानी थोड़ा गहरा होता है, जो लोग तैर लेते हैं वो लोग नहा लेते हैं। बाकी पानी काफ़ी गहरा यहाँ पर है, और धूप बहुत ज़्यादा हो रही है। ये सामने देखिए धर्मशाला बना हुआ है, ये यहाँ जो लोग बाहर से आते हैं वो यहाँ रूम लेकर रुक भी जाते हैं, तो यहाँ रुकने की भी व्यवस्था है। बाकी कुछ लोग होटल वगैरह में रुक जाते हैं। और बहुत ही सुंदर बना हुआ है, ये देखिए फ्रेंड्स, हम आ गए हैं पुल पर, और पुल काफ़ी सुंदर बना हुआ है। एक रास्ता आने की है और एक जाने की है, और सामने आप मूर्ति देख सकते हैं, काफ़ी बड़ी मूर्ति है। अभी मैं पास में जाऊंगा, फिर वहां से आप लोगों को दिखाऊंगा यहां के कुछ नज़ारे। तो जैसा कि फ्रेंड्स, धूप बहुत काफ़ी है, तो कुछ क्लियर नहीं आ रहा है। अभी मैं आप लोगों को यहां चारों तरफ घूम के सुंदर सुंदर व्यू दिखाएंगे यहां के। ये देखिए फ्रेंड्स, पुल कितना सुंदर बना हुआ है, और यहाँ काफ़ी मतलब पौधे लगे हुए हैं, हरियाली। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये हम आ गए हैं मूर्ति के जस्ट पास में। अभी ऊपर नहीं जा रहा हूँ मैं, ऊपर थोड़ा सा चढ़ाई चढ़नी पड़ती है, सीढ़ियाँ आप लोग देख रहे हैं, तो लगभग 20-25 सीढ़ियाँ होंगी। और ये देखिए फ्रेंड्स, दूसरा पुल है ये, कुछ लोग इधर से आ जाते हैं और कुछ लोग उधर से आ जाते हैं, तो ये दो रास्ते हैं यहाँ। अभी मैं आपको यहाँ के कुछ सुंदर सुंदर व्यू दिखाएंगे, और मूर्ति के नीचे ये जो है यहाँ पे भी मंदिर बना हुआ है काफ़ी सुंदर। ये देखिए, अभी मंदिर बंद है, दोपहर का समय है, नीचे भोलेनाथ का मंदिर है, और काफ़ी मूर्तियां हैं सुंदर सुंदर। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर व्यू है यहाँ।
ये हम घूम के पूरा आ गए हैं फिर से, और अभी आप लोगों को यहाँ हरियाली दिखाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी सुंदर गार्डन है यहाँ और बहुत सुंदर घास है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर यहाँ गार्डन है, और ये बैठने के लिए कुछ बेंच बनी हुई हैं। ये भी पत्थर की हैं, लेकिन देखने में फ्रेंड्स ये लकड़ी की लगती है। बहुत ही सुंदर बनावट है यहाँ। और ये देखिए फ्रेंड्स, पीछे आ गए हैं हम। ये लोकेशन फ्रेंड्स शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश की है। यहाँ आप लोग सर्च करके देख सकते हैं, यूट्यूब पे भी मिल जाएगा और गूगल पे भी मिल जाएगा, हनुमत धाम शाहजहाँपुर। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये पीछे का नज़ारा है, पीछे भी नदी बह रही है। और ये आ गए हैं मंदिर के जस्ट पीछे। बहुत ही सुंदर गार्डन है यहाँ, बैठते हैं लोग और बहुत ही साफ सुथरा रहता है यहाँ, सफाई बहुत होती है। और आप लोग देख सकते हैं मूर्ति कितनी बड़ी है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर माता शेरावाली की मूर्ति बनी हुई है, बहुत ही सुंदर आकृति है। तो यहाँ सुबह और शाम बहुत भीड़ होती है फ्रेंड्स, और ख़ासकर सैटरडे को और ट्यूसडे को, यानी कि शनिवार और मंगलवार को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ भीड़ होती है। बहुत ही श्रद्धालु आते हैं यहाँ। तो फ्रेंड्स, मैं अब जा रहा हूँ, और ये सूर्यांश हैं, ये आगे आगे दौड़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कुछ दिन पहले मैंने शूट किया था, शायद उस टाइम ठंड का मौसम था, तो आप लोग माइंड मत करिए, ये वीडियो मैं आज अपलोड कर रहा हूँ। इसलिए यहाँ पर अभी कम लोग आ रहे हैं, बाकी भीड़ तो हर वक्त रहती है यहाँ, काफ़ी लोग आते हैं दूर दूर से। तो यहाँ नदी के मैं आ गया हूँ पार, और यहाँ से पूरे दर्शन होते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, और यहाँ सुंदर सुंदर दुकानें भी लगी हैं खेल खिलौनों की, मैं ये भी आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, कितने सुंदर सुंदर खिलौने यहाँ पर बिक रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है यहाँ। और ये देखिए भगवान जी की मूर्तियाँ बिक रही हैं यहाँ पर। बहुत सुंदर लगता है, आप लोग भी आएं और यहाँ एक बार आकर दर्शन ज़रूर करें। तो कैसा लगा फ्रेंड्स आप लोगों को मेरा वीडियो, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।